सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 4, जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। तो इसमें बच्चों हमने तरह तरह के पत्तों के विषय में पढ़ा और आपने अपनी पुस्तक में पेज नंबर 31 में इस तरह से पत्तियों का चित्र बनाने का भी प्रयास किया होगा। तो आज आप देखिए, आज आप इस तरह से ये देखिए, हमने कुछ पत्तियां लेकर उन्हें एक कागज़ में चिपकाया हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है ये कैसे रंग की पत्ती है, प्याजी रंग की। जैसे आपकी पुस्तक में कैसे रंग की थी, लाल रंग की पत्ती थी, और ये है प्याजी रंग की पत्ती। जिस तरह आपने देखा होगा प्याज होता ना लाल लाल रंग का, उसी तरह है ये प्याजी रंग की पत्ती। फिर है दो रंग वाली लंबी पत्ती, ये देखिए इसमें दो रंग वाली पत्ती है। फिर मुलायम पत्ती, और ये मुलायम और दो रंग वाली पत्ती, ये मनी प्लांट की पत्ती है जो मुलायम भी होती है। और इसमें दो, देखो दो कलर हैं। फिर है कटीली पत्ती, ये गुलाब की पत्ती है जो थोड़ी क्या होती है, कटीली होती है ना, आपने साइड से देखा होगा इसमें कट लगे रहते हैं जो कांटों की तरह चुभते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में एक वाइट पेपर में इस तरह से पत्तियां चिपकाएंगे और फिर उनके नीचे लिख लेंगे कि किस तरह की पत्ती है। तो आप भी यह कार्य करने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए इसके बाद है पेज नंबर 31 में, तो यहाँ पर है पत्ते का पटाखा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सामान, पत्ते का पटाखा बनाने के लिए क्या सामान चाहिए, उसमें चाहिए एक पत्ता, इस तरह का थोड़ा चौड़ा एक पत्ता चाहिए। फिर बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, इसमें थोड़ी खुली मुट्ठी बनानी है, लेकिन थोड़ी खुली मुट्ठी बनानी है। फिर है अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, फिर तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ आएगी। फिर है जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें यदि आप उंगली की सहायता से छेद कर देंगे तो, और अब हाथ से दूसरे हाथ से उसमें वार करेंगे तो क्या पटाखे जैसी आवाज़ आएगी, तो आवाज़ नहीं आएगी बच्चों। जब इस पत्ती पे इस तरह से छेद हो जाएगा तो उससे आवाज़ नहीं आएगी। तो हम अपनी लाइव क्लास में इस तरह से पत्ते का पटाखा बनाने का प्रयास करेंगे। आप भी एक पत्ती लेकर पत्ते का पटाखा बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।